हाय दोस्तों, मैं भीम सिंह रेकवार, रेकवार इलेक्ट्रॉनिक में मैं आपका दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरे पास आज एक इंडक्शन रिपेयर होने हुआ आया है, तो दोस्तों इसको रिपेयर तो करेंगे। ये डेड है पूरा, यहां देखेंगे आप फ्यूज़ उड़ा हुआ है यहां पे, और इसको मैंने खोल लिया था दोस्तों। इसका डिस्प्ले अलग करके रखा हुआ हूँ, ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये अलग करके रखा हूँ, ये इसका नाम ब्रांड तो मिट चुका है दोस्तों टोटल, ये माने कि आप चाह नहीं थे। और इसको दोस्तों टेस्ट करेंगे पहले। तो दोस्तों मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं, कभी कभी बोलते हैं कि दोस्त सर ये टेस्ट कैसे करेंगे, कैसे करना है आप बताइए। दोस्तों मैं टेस्ट करने के लिए आपको बताता हूँ, जब फ्यूज़ उड़ जाता है दोस्तों तो यहाँ पर देखिए ये IGBT लगा होता है, ये शॉर्ट हो जाता है, ये डायोड रेक्टिफायर डायोड लग रहता है दोस्तों, ये भी शॉर्ट हो जाता है कई बार। तो दोस्तों मीटर को बजर पे रखना है, कंटिन्यूटी पे रखना है। देखिए ये रखा हुआ हूँ मैंने, और ये देखिए ये इस पर बजर आ रहा है, ये इसके लिए मैं लाइट चालू कर लेता हूँ, देख लीजिए। तो दोस्तों ये रहा MOSFET, IGBT लगा हुआ है, फ्यूज़ तो उड़ चुका है दोस्तों, फ्यूज़ बताएगा नहीं, ठीक है दोस्तों। और फ्यूज़ उड़ा क्यों है, क्योंकि ये शॉर्ट हुआ है, इस पर 300 वोल्ट जो सप्लाई है वो आपस में शॉर्ट होने के कारण फ्यूज़ उड़ गया है दोस्तों। तो सबसे पहले तो IGBT चेक कर लेते हैं शॉर्ट है कि नहीं। तो ये देखिए, यहाँ देखिए आप बजर की आवाज़ आ रही होगी आपको, तो यहाँ देखिए दोस्तों ये IGBT शॉर्ट है, ये देख लीजिए। कई लोग क्या करते हैं दोस्तों, जैसे उन्होंने देखा कि फ्यूज़ उड़ा हुआ, तुरंत फ्यूज़ लगा देते हैं, और डबल से फ्यूज़ लगाते हैं दोस्तों। तो डबल से फ्यूज़ लगाने पे दोस्तों क्या होता है, फिर से शॉर्ट होता है। उसके बाद यहाँ जो ये रेगुलेटर IC लगा हुआ है, ये लगा हुआ है दोस्तों, मैं बता देता हूँ भाई, एक मिनट नंबर बता रहा हूँ दोस्तों, इस पर 22 है या वाइपर 12 इस टाइप की IC लगती है, लेकिन इस पर और कुछ नंबर डाला हुआ है। लेकिन यहाँ देखिए इसका एक पॉइंट टोटल 8 लेग की IC है, तो इसके 4 लेग पूरे शॉर्ट हैं और 4 लेग अलग अलग हैं, इसमें जो सप्लाइयाँ आती हैं 300 वोल्ट, ये यहाँ पे देखिए दोस्तों ये कंडेंसर लगा हुआ है 4.7 450 वोल्ट का कंडेंसर है, और यहाँ से दोस्तों 300 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे बनती है। IGBT तो चेक कर लिया दोस्तों, लेकिन यहाँ देखिए 22 ओम का रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ देखेंगे रेड रेड ब्लैक गोल्डन ब्लैक, ये 22 ओम का रेजिस्टेंस है। अगर दोस्तों ये भी ओपन हो जाता है क्योंकि सप्लाई शॉर्ट हुई है, तो दोस्तों उसको चेक करना है। तो यहाँ देखिए ये देखिए ये बता रहा है, लेकिन सही है, देखिए मीटर पे आपको दिखा रहा है, ओम भी दिखा रहा होगा कंटिन्यूटी में, मतलब सही है। और यहाँ पर जो डायोड लगे हुए हैं दोस्तों, तो डायोड भी चेक करना है, यहाँ को मीटर पर डायोड रेज करना है, और यहाँ पर देखिए डायोड की कंटिन्यूटी सही बता रहा है, डायोड सही है। अगर ये शॉर्ट होता तो ये बजर बताता, बजर कहता, बजर पे भी चेक करेंगे आप तो बजर नहीं आ रहा, जी सही है दोस्तों। डायोड भी चेक कर लिया, और यहाँ भी डायोड लगा रहता है, इसको भी चेक करेंगे अपन। यहाँ पे दोस्तों कंटिन्यूटी भी चेक कर रहे हैं तो कोई बजर नहीं आ रहा है, इसको डायोड रेंज पर चेक करेंगे तो देखेंगे डायोड रेंज पर, ये भी सही बता रहा है। तो दोस्तों यहाँ कोई भी शॉर्टिंग नहीं हुई है, IGBT शॉर्ट होने के कारण दोस्तों इसमें ये फ्यूज उड़ गया है, और 320 जो सप्लाई वोल्ट होता है वो शॉर्ट हो चुके हैं, इसलिए इसको आप डायरेक्ट फ्यूज लगाएंगे तो उड़ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसका IGBT निकालें, IGBT निकाल के फिर चेक करते हैं कि सप्लाई ओके हो रही कि नहीं, फ्यूज लगाएंगे। और इस पर दोस्तों ये कंडेंसर लगा हुआ है, कई बार पूछते हैं मेरे सब्सक्राइबर, फ़ोन आता है उनका, मैं आपको बता दूँ, ये देख लीजिए, ये कंडेंसर कैपेसिटर लगा हुआ, सॉरी कंडेंसर बोले कैपेसिटर बोल दीजिए, 5 mm है, और 400 वोल्ट का कैपेसिटर, ये भी दोस्तों ख़राब हो जाता है, लेकिन ऊपर से सही दिखता है, इसको निकाल के चेक करना है। तो मैं आपको उसको निकाल के चेक करके भी बताता हूँ, निकाल के इसलिए दोस्तों चेक करना है क्योंकि आपके पास कोई मीटर तो है नहीं इसका चेक करने का, तो निकाल के कैसे चेक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं फटाफट ओपन कर रहा हूँ, यहाँ से देखते जाइएगा, ये देखिए ये निकल गया, 2 मिनट में निकल जाता है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे जो ख़राब हो जाता है कई बार फूल जाता है, यहाँ से फट जाता है, अंदर ज़्यादा उठा सर गिर जाता है,
तो जो उठा सा दिख जाए तो उसको दोस्तों बदल देना चाहिए, नहीं तो क्या होता है दोस्तों फिल्ट्रेशन तो करता है कई बार फिर ये IGBT बाहर से खराब फिर से ख़राब हो जाता है, उड़ जाता है चालू करने के बाद, एम्पियर ज़्यादा रहता है उड़ जाता है। तो देखा ये दोस्तों सही है, ये चेक करना ज़रूरी है। और शॉर्ट भी हो जाए तो आप मीटर पे इसे कंटिन्यूटी पे कर लें, मीटर मेरा कंटिन्यूटी पे ही देख लीजिए, तो यहाँ मीटर कंटिन्यूटी पे कर लीजिए, देखिए नहीं बता रहा, अगर ये शॉर्ट होगा तो बताएगा, ये भी ज़रूरी है, इस तरह आप चेक कर सकते हैं। बाकी वैल्यू चेक करने के लिए आपको वैल्यू मीटर इसका रहता है उस पर चेक कर सकते हैं। इसी तरह ये वाला PF भी लगा हुआ है, ये वाला PF की वैल्यू भी मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट रुकिए दोस्तों, ये देखिए इस पर लिखा हुआ है दोस्तों, थोड़ा सा फोकस करेंगे, थोड़ा हल्का सा, तो दोस्तों इसकी वैल्यू थोड़ा सा मीटर फोकस कर, एक मिनट दोस्तों, इसकी वैल्यू है दोस्तों 0.27 UF। और दोस्तों इसके बोल्ट है 630 वोल्ट का ही कैपेसिटर है, क्योंकि ये दोनों कॉइल के बीच में होता है, यहाँ आपको दिखा दूँगा। किसी किसी में दोस्तों मेन फिल्टर पे यहाँ पे भी जो बजाज हैवल्स और इनकी PC आती है उनमें यहाँ जे PF जो लगा हुआ है, ये बड़ा सारा यहाँ 5 MFD का लग रहा है, 3 1 जैसे लग रहे थे इस टाइप के, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा लगा चेक करना। तो ये देखिए दोनों कॉइल है, कॉइल का पॉइंट है, सॉरी एक पॉइंट पे देखिए बीच में, दोनों कॉइलों के पॉइंटों के बीच में लगा हुआ है, इसके कारण भी दोस्तों कंफ्यूजन होता है। ये PF अलग है और 5 MFD का जो PF है वो अलग है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों IGBT निकालते हैं और यहाँ फ्यूज़ कनेक्ट करेंगे, तो फ्यूज ना हो तो जंपर लगाना है तो वो आपको बताऊँ किस तरह लगाना है वही बताऊँगा, चलिए मैं निकालता हूँ। तो दोस्तों फटाफट इसको यहाँ से इसका सोल्डिंग आयरन से इसका रंगा निकालना है, इसको निकालने के लिए आप अच्छा आयरन आपका गर्म होना चाहिए, आपको डी शोल्डर वायर से इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको निकालते हैं यहाँ पे, देखिए डी शोल्डर वायर से अच्छे से पिघलाना है इसको, और ये आसानी से जितना अच्छा आपका गर्म होगा उतनी आसानी से निकलेगा। चलिए इसको निकालता हूँ। तो दोस्तों देखिए डी शोल्डर से इसको यहाँ क्लीन कर लिया हूँ, माउस ये IGBT को MOSFET बोलते हैं IGBT, और यहाँ से मैं दोस्तों ये नट भी खोल लिया हूँ, ये नट खोल के अलग करना है इसको, और अलग रख दीजिए संभाल के, क्योंकि ये काम आएंगे, कसना पड़ेगा, घूम जाएंगे दिक्कत जाएगी। उसके बाद दोस्तों ये देखेंगे अलग हो जाएगा, और यहाँ से IGBT को अलग कर लेंगे, ये देखिए अलग हो गया। IGBT का नंबर देखते हैं दोस्तों, मैं आपको नंबर दिखाता हूँ दोस्तों, रुकिए ज़रा, थोड़ा सा लाइट कम हो गया, लाइट बढ़ाता हूँ मैं। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों IGBT का नंबर, थोड़ा सा फोकस करते हैं, एक मिनट रुकिए दोस्तों, एक मिनट रुकिए दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा लाइट बढ़ा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों इस पर जो नंबर डला हुआ है आप देखिए, अगर तुम्हें थोड़ा सा फोकस करता हूँ, थोड़ा सा फोकस नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको बता देता हूँ दोस्तों मैं, ये देखिए इस पर IGBT नंबर जैसे डला हुआ है G15T1205, मतलब 15120 इसका ये है, इस पर ये MOSFET है दोस्तों। तो चलिए पहले आपको ये MOSFET ही चेक करा के बता देता हूँ, और ये हर चीज़ें हटा देता हूँ फटाफट, मैं आपको चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ देखते जाइए चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए ये MOSFET रखा हुआ है, ये देखिए निकालने के बाद दोस्तों ये देखिए पूरा शॉर्ट है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये प्लग कर देते हैं दोस्तों। और यहाँ देखेंगे यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, हीट सेंसर, ये शॉर्ट है क्या, ये शॉर्ट नहीं है, ये 10K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये 10K का रेजिस्टेंस को 10K के वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो ये भी सही बता रहा है, यहाँ पे देखेंगे आप बिल्कुल सही बता रहा है 10K का रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं, ओके है। और यहाँ लगा डायोड चेक कर लेते हैं, एक मिनट मैं इसको यहाँ पे डायोड रेंज में रख देता हूँ, ये मैंने डायोड में कर दिया, ये शॉर्ट होगा तो ये भी चेक कर लेंगे, कई बार शॉर्ट हो जाता है, नहीं बता रहा है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए। तो मैं दोस्तों यहाँ से शॉर्ट चेंज करता हूँ, तो यहाँ देखेंगे ये बता रहा है, ये बता रहा है, ये बता रहा है, सही है, डायोड ख़राब नहीं है दोस्तों, डायोड ओके है। तो चलिए दोस्तों पहले यहाँ वोल्टेज चेक करेंगे, उसके बाद IGBT लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे, फ्यूज़ लगाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ मैंने ये कैपेसिटर जो निकाला था 5 MFD का वो भी लगा दिया हूँ, और यहाँ आपको फ्यूज़ लगा दिए, फ्यूज़ इतना लगाना है आपको
अगर नहीं मिलता है तो आप इस पर वायर जम्पर मार सकते हैं। इसमें इतना मारना, नॉर्मल फीस से थोड़ा मोटर डालना है क्योंकि लोड ले ले, पतला लगाएंगे तो जल्दी उड़ जाएगा क्योंकि 18 से 2000 वाट का लगभग लोड पड़ता है इसके ऊपर। तो ये IGBT ओपन है दोस्तों। चलिए यहाँ पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि इसके IGBT गेट पे कितने वोल्ट बन रहे हैं। यहाँ 300 वोल्ट 320 वोल्ट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तो इसको मैं लगाता हूँ दोस्तों। सीरीज में लगाना दोस्तों डायरेक्ट इसको, आपको डायरेक्ट मेन में नहीं लगाना है क्योंकि अभी ये नहीं चेक किया कि ये भी शॉर्ट, एक तो क्लियर शॉर्ट है लेकिन अगर शॉर्टिंग होगा तो फ्यूज फिर उड़ जाएगा। और देखते हैं ये MOSFET जो शॉर्ट था वो तो निकाल दिए हैं इसका IGBT। अब इसको लगाते हैं दोस्तों, सीरीज में सप्लाई देंगे। तो मैंने यहाँ सप्लाई दी इसको, तो देखिए इसमें पीप एक करके आवाज़ आई है। मीटर को दोस्तों मैंने यहाँ पे देखेंगे, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मीटर को मैंने 600 वोल्ट की रेंज में रख लिया हूँ DC, तो आपको भी 600 वोल्ट DC में रखना है। ये लाइट चालू कर देता हूँ, देखिएगा दो मिनट के दोस्तों रख दिया हूँ, थोड़ा सा लाइट आ रहा है पड़ रहा है इसके ऊपर। तो यह देखिए ये माइनस है, यहाँ पे देखेंगे ये माइनस है और यहाँ पे दोस्तों यहाँ देखिए दिखाता हूँ, ये यहाँ देखिए मीटर पे देखिएगा, यहाँ देखिए दोस्तों देखिए 319 वोल्ट प्रॉपर आ रहे हैं। और जहाँ इसके जहाँ सिग्नल आते हैं MOSFET के, यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है क्योंकि जब कमांड देंगे इसको ऑन करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तब जाके दोस्तों ये यहाँ से अब यहाँ से ऑन करेंगे तब जाके दोस्तों ये यहाँ पे दिखाएगा। तो चलिए फटाफट इसका डिस्प्ले लगाते हैं, ऑन करके देखते हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्प्ले कनेक्ट कर चुका हूँ इसका और सप्लाई देता हूँ। तो यहाँ देखेंगे लाइट जला V5 और यहाँ ऑन करते हैं तो ये 1300 वाट लिखा रहा है। अभी E0 का एरर आ रहा है क्योंकि E0 बताएगा दोस्तों इसका IGBT निकला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ मीटर पे यहाँ सप्लाई चेक करते हैं, तो एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा मैं पास कर लेता हूँ। ये मैंने माइनस लगा दिया है और यहाँ देखेंगे इसके यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं क्या। मैं थोड़ा सा मीटर की रेंज कम करता हूँ, 200 वोल्ट पे है लेकिन कोई एक वोल्ट दो वोल्ट कुछ भी नहीं बता रहा है दोस्तों जी, देखिए कुछ नहीं बता रहा है। और इसको चेक करने के लिए दोस्तों इस पर एक LED का बल्ब लगाएंगे जिससे सिग्नल पता लगेगा। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे ये LED बल्ब लगा दिया हूँ। अगली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि वो सिग्नल जो टेस्ट करना है इसी तरह करेंगे। एक पॉइंट इसका ग्राउंड लगा दिया हूँ और एक पॉइंट इस पर यहाँ IGBT के सिग्नल आते हैं वहाँ पर मैंने इस पर लगा दिया। तो देखिए दोस्तों इसको मैं ऑन करता हूँ, यहाँ देखिएगा ये ऑन हुआ, डिस्प्ले भी आ रहा है यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ से बटन ऑन करता हूँ, तो यहाँ इंडिकेटर पे थोड़ा सा आप फोकस करिएगा, अभी जल नहीं रहा थोड़ी देर। देखिए ये हल्का हल्का सा आपको लाइट दिखेगा, दिख रहा है। तो ये तेज़ नहीं आ रहा है, मुद्दा चल रहा है ये बहुत तेज़ जलता जा, वो एकदम से बहुत तेज़ लाइट आता। तो यहाँ पर दोस्तों इसका PMW सेक्शन यहाँ पे जो बना हुआ है ये यहाँ देखिए ये वाला, ये ख़राब हो सकता था, ये ठीक है। तो चलिए इसमें IGBT लगाते हैं, इसको करते हैं बंद, इसको कर दिया हूँ मैंने बंद दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि दोस्तों इसको आपको डिटेल से बता रहा हूँ, इसीलिए इसका PMW सेक्शन है ये वर्क पूरी तरीके से वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर नया MOSFET लगाएंगे और इसको फटाफट आपको MOSFET नंबर भी बता देता हूँ मैं इससे जो MOSFET आपको बताया था दूसरा है। और यहाँ देख लीजिए इस पर साफ साफ थोड़ा लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है, देख लीजिए डी फोकस हो रहा है कैमरा, चलिए दोस्तों ये देखिए MOSFET इसका यहाँ बराबर फोकस हो गया है, देख लीजिए 25 and 120 इसका नंबर है दोस्तों। अच्छा MOSFET है ये, मैं फ्रेश नया नहीं, ये मैं इंडक्शन से निकली हुई MOSFET है, वो खरीद के लाता हूँ वो लगाता हूँ, और जो अच्छे ओरिजिनल होते हैं और ज़्यादा चलते हैं कोई दिक्कत नहीं आती। तो इनको चलिए दोस्तों फटाफट इंस्टॉल करता हूँ मैं, इस पर लगा के फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ देखिए ये MOSFET लगा चुका हूँ और ये कंप्लीट कर चुका हूँ। तो चलिए इसको इसमें इसके बॉक्स में कसते हैं और फिर चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए पूरा PC इसमें लगा दिया हूँ, कॉइल लगा कंप्लीट कर दिया हूँ, फैन भी कनेक्ट कर दिया हूँ और सारी चीज़ इसमें कस दिया हूँ। अब दोस्तों मैं इसको यहाँ से बैक पर लगाता हूँ और आपको यहाँ पर मैं इस पर हीटिंग करके दिखाता हूँ।
तो चलिए दोस्तों इसको लगा दिया हूँ और ऊपर ढक्कन लगा के। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं इसको ऑन करता हूँ। यहाँ देखिए मैं पावर से ऑन किया, यह 1300 वाट पे आया। तो यहाँ देखिए ये यहाँ पे हीटिंग करना चालू कर दिया है, देखिएगा। और यहाँ पे मैं इसको बढ़ाता हूँ, देखिए 1800 2000 वाट पे। तो यहाँ देखेंगे आप, देखिए दोस्तों बराबर इसमें पानी जो है, आपको पास से दिखाता हूँ थोड़ा। देखिए ये देखिए पूरा गर्म होने लगा इस तरह से। इसको थोड़ा मोटा कर देता हूँ दोस्तों। तो देखा दोस्तों आपने, मैंने इसमें जो शॉर्टिंग था, IGBT शॉर्ट हुआ था, आपको PF चेक करना बताया, और जो IC है वो अगर शॉर्ट हो जाती वो भी चेक करना बताया आपको। सारी चीज़ें जो मुझसे बन सकी दोस्तों इसमें बताया हूँ। कई बार मुझे फ़ोन आते हैं, तो इसलिए दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए। आप लोग दोस्तों कमेंट करेंगे दोस्तों तो ही मैं आगे वीडियो और भी अच्छी अच्छी बनाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। ओके दोस्तों, धन्यवाद।